कुछ मुसलमान मारे गए थे। अब एक मंत्री को ये नागवार गुजरा कि साहब हमारे समुदाय के ज्यादा लोग मारे गए हैं, उस समुदाय के लोग कम मारे गए हैं। गवर्नेंस नाउ में उस लेखक ने लिखा है कि उन्होंने ये आदेश लखनऊ से दिया कि देखो तुम दूसरे वर्ग के लोगों को पुलिस के तो उनको मारो, मारो माने क्या है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करो ताकि दोनों वर्ग की संख्या बराबर हो जाए। सोचिए कितना हृदयहीन आदेश था। खैर पुलिसकर्मी बहुत सा गलत काम भी करते हैं, पर ये गलत काम उन्होंने करने से मना कर दिया। सनसनीखेज खुलासों का दौर यहाँ थमा नहीं। एक और चौंकाने वाला बयान देते हुए पूर्व डीजीपी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगे भड़कते ही नहीं यदि पुलिस को स्वतंत्रता से काम करने दिया जाता। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, अभी दंगे में केवल चिंगारी हुई थी, अभी केवल 3 व्यक्ति मरे थे। अगर पुलिस को अपने तरीके से काम करना दिया गया होता तो शायद 3 व्यक्तियों की मृत्यु के बाद दंगा वहीं पे समाप्त हो जाता। परंतु पुलिस को जब FIR में अपराधियों का नाम नहीं लिखने दिया गया, जब एक वर्ग ने यह देखा कि हमको इस सरकार के रहते जो लखनऊ में सरकार बैठी है हमको यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, उस वर्ग ने कानून को अपने हाथ में लिया और जो दंगा भड़का है उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों ने यह देखा कि हमें इस पुलिस बल से जो लखनऊ के दबाव के कारण अपना काम नहीं कर रही है हमें इससे इंसाफ नहीं मिला। राजनीतिक दबाव की ऐसी बातें सुनकर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बैठा हर शख्स चौंक गया। एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की इन बातों ने एक बार फिर उजागर कर दिया कि किस तरह पुलिस विभाग पर राजनीतिक शिकंजा कसा हुआ है। वसीम अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, इंदौर। सास बहू के पुराने कॉन्सेप्ट से लोग बोर हो चुके हैं, यही वजह है कि वो अब युवा पीढ़ी की जिंदगी उनकी परेशानियों से रूबरू होना चाहते हैं। ये कहना है स्टार प्लस के नए शो निशा और उसके कजिन्स में डॉली का किरदार निभा रही पूर्वी मुंद्रा का। पूर्वी ने बताया कि इस शो में उनका किरदार एक सपनों में जीने वाली लड़की का है जो हर वक्त मस्ती के मूड में रहती है, जबकि असल जिंदगी में पूर्वी डॉली के किरदार से बिल्कुल जुदा हैं। कोरियोग्राफर से करियर की शुरुआत करने वाली डॉली का ये पहला एक्टिंग शो है और वो भविष्य में एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। और उसके कजिन्स एक बहुत ही अलग शो है, नया कंसेप्ट है जो पहले कभी देखा नहीं गया है और स्टार प्लस पहली बार एक इंडियन ड्रामा पे बेस्ड शो और यूथ बेस्ड शो जो दोनों को साथ मिलाकर एक शो बनाया है, उन्होंने पहली बार ऐसा कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं जहां 3 जनरेशंस दिखाए हैं, दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, चाची चाची जी और हम सब सातों कजिन्स और उनकी बॉन्डिंग। तो ऐसे 3 जनरेशन दिखाए गए हैं और 3 अलग अलग सोच दिखाई गई है जो गलत नहीं है पर एक दूसरे से अलग है काफी, और कैसे ये तीनों सोच एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती है और कैसे अलग अलग सिचुएशंस लाइफ की फेस करती है, यही ये शो दिखाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें बंसल न्यूज़।